हरिचंद महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हरिचंद महाविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर आज नाम वापसी की प्रक्रिया दोपहर तक पूरी नहीं हो सकी, जिसमें चुनाव अधिकारी जहां एक तरफ इसे संपन्न कराने में लगे रहे तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी छात्र छात्राओं को लुभाने का प्रयास करते रहे। महाविद्यालय में पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं महाविद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं के हाथ पैर जोड़कर प्रत्याशी उनसे वोट की अपील करते रहे। मैं हरिचंद पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी सौरभ यादव। सौरभ जी, किस तरह से छात्रों को लुभाने का कार्य हो रहा है इस समय विद्यालय में? विद्यालय में लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। छात्रों को बतलाया जा रहा है कि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से महाविद्यालय का विकास किया जाएगा, महाविद्यालय का दिशा और दशा सुधार किया जाएगा, महाविद्यालय में सुंदरीकरण किया जाएगा, महाविद्यालय में जैसे कि अनेक बाहरी जो छात्र नहीं रहते हैं वो भी महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं, उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा, और भी कि अनेक प्रकार की समस्या जो महाविद्यालय में आती हैं उनका भी सुधार किया जाएगा। तो कुछ समस्याएं भी आ रही हैं क्या अभी तक? ये कुछ यहाँ पर समस्या है क्या विद्यालय में, जिस तरह से नाम वापसी की परंपरा के तरह कभी कुछ हो नहीं रहा है? अभी ये जो समस्या चल रही है वो पुलिस प्रशासन से है। पुलिस प्रशासन का गया रिपोर्ट, वो वहाँ से आने अभी बाकी है रिपोर्ट पुलिस प्रशासन से। अभी नाम वापसी की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है? नाम वापसी की प्रक्रिया भी हो नहीं पाई है। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन द्वारा जो आएगा उसी पर काम होगा।